महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी पुराने गठबंधन सहयोगी रहे हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों दलों में बात नहीं बनी तो चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी से पुराना नाता यानी कि गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। शिवसेना ने इन दोनों दलों के साथ महाविकास अघाड़ी बनाया और प्रदेश में सरकार बनाई। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना के साथ सरकार चला चुकी बीजेपी विपक्ष में है। दोनों दलों के बीच सियासी दूरियां हैं, लेकिन समय समय पर दोनों दलों के फिर से गठबंधन को लेकर अटकलें लगने लगती हैं। ये अटकलें फिर से तेज हो गई हैं और इस बार इन अटकलों को हवा दिया है खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान ने। दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कार्यक्रम में शामिल होने महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव साहिब दानवे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री दानवे एक ही मंच पर थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि मंच पर उपस्थित हमारे अभी के और पुराने सहयोगी और केंद्रीय मंत्री दानवे की ओर देखते हुए कहा कि अगर भविष्य में साथ आए तो भावी सहयोगी। कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन के दौरान भी रेल राज्य मंत्री राव साहिब दानवे का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमारे पुराने सहयोगी हैं और कौन कब एक दूसरे के साथ आ जाए ये नहीं बता सकते। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल के बयान पर हल्के अंदाज में कहा कि तीन दलों की सरकार में से हो सकता है कि वे किसी एक दल में शामिल हो रहे हों। शिवसेना के समर्थन से महाराष्ट्र में पांच साल सरकार चला चुके देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की ओर से औरंगाबाद में आए बयान पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वे इस गठबंधन के सहयोगियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये उनका अच्छा एहसास है। इस सरकार के नाम पर काफी भ्रष्टाचार है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी पावर के पीछे नहीं भागती तो वहीं शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह की तारीफ उन्होंने की है और ये पहली बार नहीं है। शिवसेना के नेताओं के द्वारा पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ बार बार करते हुए नजर आते रहे हैं। इससे पहले भी कई बार शिवसेना के नेता खुलकर प्रधानमंत्री की तारीफ करते नजर आ चुके हैं। अब आप उद्धव के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।